रामचरितमानस की, रामचरितमानस की, रामचरितमानस की, रामचरितमानस ग्रंथ पर सवाल उठा रहे प्रभु भल किन मोहे सिख दिन ही मर जादा पुनी तुमरी किनी ढोल गवार सुद्र पसुनारी सकल तारना के अधिकारी। गौर से पढ़िए इस चौपाई को, आपको जानी पहचानी लग रही होगी, अर्थात मेरे सभी हिंदू भाइयों को ये तो पता ही होगा कि ये चौपाई किस ग्रंथ की है। दोस्तों ये चौपाई है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की, जिसमें उन्होंने ये लाइन कही है जिसको लेकर आजकल बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। रामचरितमानस हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है जिसमें राम जी के आदर्शों के बारे में बताया गया है, उनके जीवन से जुड़ी कई सारी बातों को लिखा गया है। पर अचानक से इस ग्रंथ की कुछ पंक्तियां देश में एक समुदाय के लोगों में बहुत ज्यादा बवाल खड़ा कर रही है। ऐसा क्या हुआ है और किसने बोला है कि हिंदू भाई आपस में ही अपने धर्म को लेके ही भिड़ने लगे? तो दोस्तों आज मैं आपको इसी मुद्दे से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहा हूँ और इसके पीछे का सच क्या है आपको थोड़ा सा समझाने का कोशिश करूंगा। वैसे ये सियासी दांवपेच इतने गहरे होते जा रहे हैं कि अब इनको समझाना लगभग नामुमकिन सा हो रहा है। इन मॉडर्न एरा में जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, लोग चांद पर जाने के सपने देख रहे हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अर्निंग के नए नए सोर्सेज की खोज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस क्रांति के युग में कुछ ज्यादा ही संकुचित होते जा रहे हैं। कोई नई किताब आती है तो उस पर बवाल, कोई नई फिल्म आती है तो उस पर बवाल हो जाता है। और इस आजाद युग में जहां सभी को बोलने की आजादी है, वहीं अगर कोई अपनी सोच को सबके सामने रखता है तो उस पर भी बवाल। हद तो अब तब होती जा रही है जब इन नेताओं को या किसी और को कुछ नहीं मिल रहा है तो ये सदियों पुराने धर्म ग्रंथों के पीछे पड़ जा रहे हैं, यहाँ तक कि हिंदू हिंदू बवाल करने की तैयारी की जा रही है। इस फसाद की शुरुआत किसी साधु संत या किसी ज्ञानी पुरुष ने नहीं बल्कि सपा के जाने माने नेता जो कई पार्टियों में उथल पुथल मचा चुके हैं उन्हीं ने की। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास कृत महाकाव्य रामचरितमानस पर ही हल्ला बोल दिया है। इसके पीछे उनकी मनसा क्या है ये तो जानेंगे ही, पर उनके ऐसा करने से क्या क्या बवाल खड़ा हो गया है और उनके समर्थन में कौन कौन उतर आया है ये भी जाननी जरूरी है। मौर्य जी ने तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को उठाया जिसमें लिखा हुआ था कि ढोल गवार सुद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उनके अनुसार ये पंक्तियां छोटे समुदाय के लिए एक बड़ा अपमान की बात है। तुलसी जी ने सुद्रों को अपमान किया है, सभी छोटे कुल के एससी एसटी ओबीसी और साथ ही साथ औरतों को भी अपमानित किया है। तुलसी जी की पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार निकाला गया कि सकल तारना के अधिकारी का मतलब इन लोगों को मारना पीटना चाहिए और उनकी इज्जत नहीं करनी चाहिए। अब जरा एक चीज ध्यान से सोचिए कि ये बात लिखी किसने है और किसके लिए है और उनकी व्याख्या कर कौन रहे हैं। तुलसीदास जी के बारे में हम सभी को इतना तो जरूर पता है कि औरतों की वो बहुत इज्जत करते थे और उन्होंने ये पंक्तियां लिखी है, तो फिर इसके पीछे कोई और वजह या फिर उसका कुछ और अर्थ होगा। इसकी व्याख्या करने वाला सपा का ये नेता जो आज हर दफ्तर के बाहर गा रहे हैं कि गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं और हमें नीच कुल में होने का कोई शर्म नहीं, वाह जरा एक बार इनकी डिग्रियां उठा के देख ली जाए कि वो कितना ज्यादा साहित्य के पुजारी हैं। मतलब कि जो लोग ढंग से हिंदी भाषा का उपयोग नहीं कर पाते हैं वो रामचरितमानस की पंक्तियों की व्याख्या कर रहे हैं। लोगों ने सोचा समझा नहीं, बस खड़े हो गए बवाल करने के लिए। उत्तर प्रदेश के सपा के प्रमुख नेता ने बीजेपी के प्रमुख को ये चैलेंज भी दे दिया इसी बात पर कि उन्हें इस चौपाई को पढ़ाना होगा और उसका मतलब भी बताना होगा। ये भी बड़ी चौंका देने वाली बात है। पहले आप खुद थोड़ा इस मुद्दे पर रिसर्च करिए, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ये चीजें जो हम पांचवी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, अगर ताड़ना का अर्थ है कि प्रताड़ित करना तो उसी ताड़ना का अर्थ निरीक्षण करना और शिक्षा देना भी होता है। पूरी चौपाई पढ़ने के बाद ये अर्थ निकल के आता है, प्रभु धन्य हो आपने मुझे ये बताया कि इन लोगों को भी शिक्षा अर्थात ज्ञान की जरूरत है, इन्हें भी समाज में वही दर्जा मिलना चाहिए जो दूसरे कुल के लोगों का है, क्योंकि उस टाइम पे निम्न कुल के लोगों को और स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय थी, उनको समाज में वो इज्जत वो सम्मान नहीं था जो औरों का था, जिसके लिए तुलसी जी ने ये लिखा होगा। और जहां तक बात है रामचरितमानस की, तो इसमें ऐसा कोई भी अभद्र शब्द नहीं है जिसका अर्थ गलत निकले। तो हम लोग जो अभी अपनी संस्कृति या कहे कल्चर को पूरी तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं, वो अपने इतिहास से जुड़ी खास चीजों के चित्र क्यों उड़ा रहे हैं? वैसे यह बहुत शर्मनाक की बात है कि सियासी मुद्दों में हम अपने धर्म को बीच में ले आते हैं, कभी हिंदू मुसलमान करते हैं तो कभी हम आपस में ही लड़ते हैं। पहले यह मुद्दा इतना ज्यादा जोर नहीं पकड़ा था, पर जैसे सपा के प्रमुख नेता इस मुद्दे की बागडोर संभाली वैसे ये बवाल और बढ़ गया। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में अपने इस हरकत के लिए इनको पछताना पड़े। आज देश में युवा बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है, अगर बात वहाँ पर रोजगार की होती या किसी ऐसे मुद्दे की होती जिससे रोजगार के अवसर खुलते तो शायद पासा पलट सकता था। भाई भतीजावाद के बाद अब ये जातिवाद करके कितने वोट हासिल करने वाले हैं ये तो पता नहीं, पर नेताओं को किसी समुदाय से जुड़े धर्म ग्रंथों को बीच में नहीं लानी चाहिए, फिर मुद्दा वो मुसलमान का हो, हिंदू का हो या किसी और मजहब का हो। दोस्तों सपा नेता मौर्य जी इस कदर इस ग्रंथ के पीछे पड़ गए हैं
कि उन्होंने इस चौपाई को हटाने और ग्रंथ को हिंदू धर्म ग्रंथ की श्रेणी से हटाने की बात ही कर रहा है। धर्म ग्रंथों में परिवर्तन का अधिकार किसी को नहीं है। आज सभी धर्म के लोगों के पास उनके धर्म से जुड़े ग्रंथ हैं और वो उनकी सत्ता पर कोई आंच भी नहीं आने देते। यहाँ तो ग्रंथ को मिटाने की बात की जाने लगी है। ये भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा संविधान तो नहीं है जिसमें संशोधन किया जा सके, पर ये बात इन नेताओं को कौन समझाएगा, क्योंकि इनका मुद्दा ये नहीं है कि रामचरितमानस में ऐसा क्या कहा गया, बल्कि इनके पीछे का असली मकसद कुछ और ही है। चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। आप एक बार खुद सोचिए कि अचानक से नेताओं को तुलसीदास की चौपाई कैसे याद आ गई, और ये चौपाई कोई नई तो नहीं है पठान मूवी की तरह जिसपे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक धर्म विशेष की मान्यता से जुड़ी हुई है जिसमें हल्की सी भी छेड़छाड़ काफी भारी पड़ सकती है। ये सब जानते हुए भी सपा नेता मौर्य जी ने ये किया, इसका सीधा सा मतलब है हिंदू समुदाय में बंटवारा। हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने एक देश में दो गुट तो तैयार कर ही दिए हैं, पर अब इनसे एक ही समुदाय के लोगों का साथ होना नहीं देखा जा रहा। वैसे ये कोई चौंका देने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी ये बंटवारा हो चुका है। यादव यादव, पंडित पंडित, ठाकुर, एससी एसटी और भी कई नेताओं द्वारा एक ही कम्युनिटी में आग लगाकर उनके वोट को डिवाइड करना बहुत ही पुरानी चाल है। इस बार भी कुछ ऐसा ही प्लान है। अब अगर नेताओं की भाषा में बात करें तो इनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में जनरल कास्ट के जो वोट हैं वो बीजेपी को जाएगा, तो क्यों ना हम एससी एसटी करके इनको तोड़ दें और फिर उनका वोट हमें मिले, जिसके लिए उन्होंने ऐसा हथियार ढूंढा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जरा सोचिए कि जो मुद्दा उठाया गया है उसके जवाब में सिर्फ उस शब्द के अलग अलग अर्थ बताने के अलावा क्या सबूत पेश किया जा सकता है। अगर कोई इंसान ये सोच ले कि हाँ निंदा की गई है और हम इस बात के विवाद के साथ हैं, तो कोई क्या ही कर सकता है सिवाय तमाशा देखने के। एक बात बता रहा हूँ कि लोगों को राजनीति के इन दांव पेच से अच्छी तरह वाकिफ होना जरूरी है, वरना नेता हमें ऐसे ही हमेशा उल्लू बनाते आ रहे हैं, बनाते रहे। एक नेता अगर एक हिंदू धर्म या ग्रंथ की आलोचना कर रहा है तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। वोट पाने के लिए और वोट तोड़ने के लिए ये लोग कोई भी मुद्दा उठा करके ले आते हैं। ये मुद्दा कई महीने तक चर्चा में रहेंगे, इलेक्शन आएगा, लोगों का ध्यान भटकेगा और फिर जैसे इलेक्शन खत्म, बात खत्म। हम सभी लोग उस मोमेंट में प्रभोक हो जाते हैं और अपना निजी स्वार्थ छोड़कर इन सब चक्करों में फंसकर अपनी कीमती वोट गवा देते हैं। और सबसे मेन, ये हमें पता ही नहीं चलता कि ये हम वोट दिए नहीं है, दिलवाया गया है किसी और तरीके से घुमाकर। आज इस मुद्दे को मैं आपके सामने इसलिए नहीं लाया हूँ कि मैं किसी नेता या धर्म के बारे में कोई विवाद करना चाहता हूँ या करवा देना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए लाया हूँ कि राजनीति में ये सब चलता आ रहा है। आए दिन धर्म से जोड़कर नए नए विवाद खड़े किए जाते हैं। एंड मैं एक मुस्लिम हूँ और मुस्लिम होकर के भी मुझे ये विवाद अच्छा नहीं लगा, और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी ग्रंथ जिस भी धर्म में हो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं ही हो, उसके ऊपर सवाल खड़ा नहीं हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज अगर आपको मेरे किसी भी बातों से बुरा लगे, ठेस पहुँचे, तो मैं माफी चाहूंगा हजार बार, बट ये मत समझना कि किसी धर्म को नीचा गिराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं पूरा रिसर्च करके मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब की बार शायद एक सदियों पुरानी धार्मिक और हिंदू धर्म की पहचान रामचरितमानस पर सवाल खड़े किए गए, पर ऐसा क्यों और किस लिए, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके लिए है। और इन सब बातों का महत्व सिर्फ जनता को भड़काना है। हमारा किसी को वोट देने या चुनने का मकसद साफ होना चाहिए कि हमारे सिस्टम में किस चीज की कमी है और क्या क्या सुधार होनी चाहिए। बाकी सबका अपना अपना मर्जी है और सारी चीजें आपके सामने शीशे की तरह है कि लोग वोट पाने और अपने आप को आगे रखने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट जानकारी वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।